उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे, ये जितने भी कर्मचारी हैं ये अनमोल बिस्किट कंपनी में काम करते हैं, ये लगभग एक महीने से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, अपनी सैलरी छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर। तो दोस्तों, आखिर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इनकी आखिर क्या मांगे हैं? अनमोल कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं वो अपनी गाड़ियों से निकल जाते हैं, वो क्यों इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं? क्या प्रशासन के आला अधिकारी को दिख नहीं रहा? क्या प्रशासन के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कंपनी के सामने बैठकर, क्या उनको इस बात का नहीं पता? क्या श्रम विभाग को, लेबर कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं है कि हजारों कर्मचारी कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन में बैठा है? तो दोस्तों, आखिर ऐसी क्या मांगे हैं इनकी? कंपनी की मांगे क्यों पूरी नहीं कर रही है? ये लोग क्यों धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? इसमें अगर हम बात कहें तो कंपनी खुले तौर पर सीधे चेतावनी है, सीधे जो है तानाशाही चल रही है। अनमोल बिस्किट कंपनी के बाहर ये कई कर्मचारी लगभग एक महीने से बैठे हैं। तो आइए देखते हैं पूरी खबर कि धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खबर को। गैर कानूनी जो गतिविधियां चल रही है उसके खिलाफ लगातार संघर्ष पर है। आज शायद 23वां दिन है, 23वां ही है ना, 24वां दिन है। शांतिपूर्ण तरीके से गेट पे हम आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे कई सारे साथियों के दिमाग में बात आ रही है, या साथी एक आध साथी कह भी रहे हैं कि हम गेट पर धरने पर बैठे हैं, पता नहीं मैनेजमेंट के ऊपर असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। डंडे झंडे के साथ उसकी छाती पर बैठे हैं और प्रबंधकों को जो हाल है कहने को कुछ भी कहते रहे, लेकिन आपने उनकी नाक में दम कर दिया है। और लगातार जो आपकी एकता को तोड़ने की कोशिश प्रबंध को कर रहे हैं उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए हैं। लगातार आज भी लगातार तमाम कर्मचारियों के पास फोन किए जा रहे हैं, इधर उधर से साथियों के पास फोन कराए जा रहे हैं कि आप आंदोलन से हट करके कारखाने में काम पे आ जाइए, लेकिन इसके बाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।